तेज खबर 24 में इस वक्त राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलावटखोरी को लेकर प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक रहेंगे सिलावट नहीं होगी मिलावट। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को मंच से कहा कि आपने जो नारे दिए हैं वो नारे नहीं रहने चाहिए, शुद्ध के लिए युद्ध का मतलब है फिर युद्ध होना चाहिए। हर समय में मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे प्रदेश में इस स्तर पर मिलावट की जाती है दूध। आज मैं अभी समझ रहा था हमारे माननीय मंत्री जी से कि उस दूध में किस तरीके के चीजें मिलाई जाती हैं और किस तरीके का जहर। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई निंदाजनक कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। अगर किसी और व्यक्ति को दूसरा मनुष्य जानकर जहर खिलाता खिलाने की कोशिश करे। और मैं कलेक्टर साहब को और स्थानीय प्रशासन को भी कहना चाहता हूं और मंत्री जी को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां जहां मिलावट पकड़ी जाए वहां सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं जेल के सलाखों के पीछे इन लोगों को डालना। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी को कि भोपाल में भी बैठकर आप स्वतः मॉनिटरिंग करिए इन केसेस की, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और हमारे दोनों विधायक और प्रद्युम्न को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, क्योंकि कई कहानियां मैं सुन रहा हूं कि छापा पड़ता है और उसके बाद छोड़ा जाता है। अगर छापा पड़े और वहां कुछ पकड़ा जाए, मंत्री जी आपके विभाग से निर्देश निकलने चाहिए कि आपके ऑर्डर बिना कोई भी केस क्लोज नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जो संस्था ऐसे घृणोनी हरकत करे, जो अभियान आपने चलाया है, और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी मंत्री ने ऐसा आंदोलन नहीं छेड़ा है जो तुलसी सिलावट जी ने छेड़ा है। जो पकड़े जाए सीधे अंदर, और मंत्री जी के स्वीकृति के बिना कोई राहत नहीं। मंत्री जी कृपा करके राहत मत दीजिएगा। दरअसल ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर दौरे पर कही है। सोमवार को ग्वालियर में अत्याधुनिक फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब का भूमि पूजन कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दो कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया है। भूमि पूजन के दौरान सिंधिया ने मंत्री तुलसी सिलावट को मंच से कहा कि किसी भी मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, और जो मिलावट के विरुद्ध सिलावट जी ने एक युद्ध छेड़ा है, मैं मानता हूँ वे बधाई के पात्र हैं। और जो इंदौर जबलपुर और ग्वालियर तीनों संभागों में संभाग मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र सैंपल्स के लिए उसकी आज भूमि पूजन हमने किया है, मैं मानता हूं कि ये मिलावटखोरी को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में समाप्त करने के
युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपने कई सारी हिदायतें भी दी है मन से कि मतलब किसी के भी कहने पर ना छोड़ा जाए, मंत्रालय का आदेश हो या तुलसी जी की वो तो हो ही नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता होना चाहिए? आप पूरे आदेश का पालन किया जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता होना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति गलत काम की करते हुए पकड़ा जाए, और ऐसा गलत काम जहां मैं जानकर आपको जहर दिलवा रहा हूं, तो फिर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए? दूसरा सर, मार्क हॉस्पिटल की बात आपने कही। हाँ, वो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था कि जो वो भूमि आवंटित की गई थी निजी अस्पताल के लिए, और जो 15 साल कुछ नहीं हो पाया, मैंने निवेदन किया है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को भी और प्रशासन को भी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं स्वतः भी लोगों से बात करूंगा ताकि यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजी क्षेत्र का स्थापित हो पाए। थैंक यू। अभी तो मतदान चल रहा है, क्या उम्मीद है सर?